this is a theorem that we have. The statement of the theorem is, there are two distinct lines. If we have two distinct lines, दो अलग अलग lines हैं हमारे पास, different lines हैं, so they cannot have more than one point in common. एक से ज़्यादा point उनके common नहीं हो सकते. ये हमें prove करना है दो distinct, दो different lines में को लेकर. Fine. So the proof of the line, proof of this theorem states. इसके लिए हमें दो कंसिडर, दो लाइंस कंसिडर करनी है. सो लेट अस कंसिडर दोज लाइंस आर लाइन एल एंड लाइन एम. एक लाइन को मैंने नाम दिया एल एंड दूसरी को एम. फाइन. सो वी नीड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. दे डोंट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा उनके पॉइंट कॉमन नहीं है. मतलब दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. एक ही पॉइंट जो है उन दोनों में वो कॉमन है. नाउ लेट अस सपोज दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. हमने ये सपोज कर लिया, हमें प्रूव करना है कि एक पॉइंट कॉमन है. हमने इसका उल्टा सपोज किया है. फॉर एग्जांपल हमने प्रूव सपोज किया है कि जो दो लाइंस हैं हमारे पास वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं दो पॉइंट्स पर. फाइन. ये एक अजम्पशन है, ये हमने सिर्फ सपोज किया है. फाइन. सो वी हैव सपोज्ड कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं दो पॉइंट्स पर, दो डिस्टिंक्ट, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर. जो दो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट्स हैं. फाइन. एंड उन दोनों पॉइंट्स को फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया है पी एंड क्यू. सो वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू दीज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. फाइन. अगर हमने दो लाइंस ली हैं, दो लाइंस अगर आपस में दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दैट मींस इन दोनों पॉइंट्स से हमें दो लाइंस पास कर रही हैं. बट दिस अजम्पशन क्लैशेस विद द एक्सियम. एक एक्सियम हमारे पास है दैट वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इससे ऊपर हमने देखा कि दो लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पास कर रही हैं, बट हमारा जो एग्जाम है वो कहता है कि सिर्फ एक लाइन ही दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पास कर सकती है. सो यूजिंग दिस एग्जाम हमारी जो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो ये दोनों अजम्पशंस हैं, ये आपस में क्लैश कर रही हैं. सो द अजम्पशन दैट वी स्टार्टेड विद, जिस अजम्पशन से हमने स्टार्ट किया था कि दोनों लाइंस दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट द टू लाइंस can pass through two distinct points is wrong. जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि दो लाइन्स हमारी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पास कर रही हैं, वो अजम्पशन बिकॉज इस क्लैश की वजह से वो अजम्पशन जो हमने ली थी वो फॉल्स हो गई है, वो रॉन्ग हो गई है. ठीक है. सो वी डू नॉट कंसिडर, वी आर नॉट सपोज टू कंसिडर दैट अजम्पशन. नाउ इन दोनों, इन तीन स्टेटमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है. द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स इज दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने स्टार्ट किया था एक अजम्पशन से कि हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि दो लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. फाइन. सो उस अजम्पशन के बाद हमने क्या देखा, क्योंकि दो लाइंस आपस में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो लाइंस पास कर रही हैं. फाइन. सो आफ्टर दिस द एक्सियम दैट वी हैव कि एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकती है. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्लैश की एंड बाय ड्रॉइंग कंक्लूजन हमने ये कंक्लूड किया दैट ओनली वन पॉइंट, द टू लाइंस कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. यूक्लिड के एग्जियम्स एंड पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड अभी हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे. अब इन दो एग्जाम्पल्स के बाद हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं.